मॉर्निंग स्टैंडर्ड 7 टेक आउट योर साइंस बुक चैप्टर नंबर 18। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिए, लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। बच्चों इस चीज के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। आप लोग तो ये तो जानते ही है बच्चों कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, सारे किस पर डिपेंडेंट हैं बच्चों? प्लांट्स पे, ठीक है। तो ये एक तरह का चेन बना लेता है बच्चों, ठीक है, जिसको कि हम लोग फूड चेन बोलते हैं। जैसे आप लोग पिछली क्लास में भी, क्लासेस में भी पढ़े होंगे बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और डिकम्पोजर के बारे में, ठीक है। तो मोटा मोटी ये आप जानिए बच्चों, जैसे सब फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स को पहले कौन खाता है? हर्बीवोर्स खाता है। हर्बीवोर्स को फिर कौन खाता है बच्चों? कार्निवोर्स खाता है। और कार्निवोर्स को फिर कौन खाता है? ओमनिवोर्स खाता है। तो ये क्या है, एक तरह का चैन बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो प्लांट क्या हो गया जनरली बच्चों, हमेशा क्या हो गया? प्रोड्यूसर कहला गया। प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर कहेंगे, क्योंकि उसको उसके ऊपर चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, हर्बीवोर्स भी डिपेंडेंट रहता है बच्चों, कार्निवोर्स भी डिपेंडेंट रहता है, ओमनिवोर्स भी डिपेंडेंट रहता है। अब आप पूछेंगे कैसे मैं, तो प्लांट्स अगर नहीं हो तो हर्बीवोर्स को खाना कहाँ से मिलेगा बच्चों, ठीक है। और हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स। तो कार्निवोर्स किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया बच्चों? हर्बीवोर्स के ऊपर। और हर्बीवोर्स को जिंदा रहने के लिए प्लांट्स चाहिए, तो इनडायरेक्टली कार्निवोर्स भी क्या चीज पर डिपेंडेंट हो गया बच्चों? प्लांट्स के ऊपर, कि प्लांट्स रहेगा तभी तो हर्बीवोर्स जिंदा रहेगा, और हर्बीवोर्स जिंदा रहेगा तभी कार्निवोर्स को भी भोजन मिलेगा बच्चों। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि एक चैन नुमा हमारे इन्वायरमेंट में बना हुआ है बच्चों, कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्रोड्यूसर हमेशा कौन रहेगा बच्चों? ऑटोट्रॉप्स रहेगा। ऑटोट्रॉप्स के अंदर कौन आ गए? प्लांट्स आ गए, ग्रीन प्लांट्स आ गए, जो कि खुद से अपना भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो प्लांट को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं। और जो हर्बीवोर्स हो गया बच्चों, उसको बोल दिए प्राइमरी कंज्यूमर। क्या बोल दिया उसको? प्राइमरी कंज्यूमर। और हर्बीवोर्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट रहा बच्चों? कार्निवोर, तो उसको हम लोग बोल देते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। नाउ द थर्ड इज ओमनिवोर्स, जिसको कि हम लोग टर्सरी कंज्यूमर भी बोल सकते हैं बच्चों। और आफ्टर द डेथ क्या होता है, चाहे कोई एनिमल डेथ हो गया, ह्यूमन बींग का डेथ हो गया, तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करता है हमको बच्चों? डिकम्पोजर करता है। तो ये एक तरह का साइकिल बना हुआ है बच्चों, ठीक है। प्लांट्स को हर्बीवोर्स कहेगा, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कहेगा, कार्निवोर्स को ओमनिवोर्स खाएंगे, ओमनिवोर्स को कौन खाएंगे? डिकम्पोजर खाएंगे। तो इस तरह से प्लांट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर बोल सकते हैं। हर्बीवोर्स को प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, कार्निवोर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर बोल सकते हैं, और ओमनिवोर्स को टर्सरी कंज्यूमर, एंड देन लास्ट इज डिकम्पोजर। तो इस तरह से ये नाम भी देते हैं बच्चों। और इस तरह का जो प्रोसेस बनता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। अब है फूड वेब के बारे में। फूड वेब, देयर आर सेवरल चेन्स वर्किंग एट ए टाइम। इसमें क्या होता है कि एक पार्टिकुलर टाइम में, जैसे फॉरेस्ट में या किसी भी चीज में, पार्टिकुलर टाइम में एक दूसरे से चेन नुमा एनिमल्स और प्लांट जुटे हुए रहते हैं। बहुत सारे हर्बीवोर्स एक दूसरे से जुटे रहते हैं, बहुत सारे कार्निवोर्स एक दूसरे से, जैसे छोटे हर्बीवोर्स को प्लांट खाते हैं, उसको उससे छोटे बड़े कार्निवोर्स खाते हैं, उससे उसको बड़े खाते हैं। तो इस तरह का एक थोड़ा बड़ा, मतलब फूड चेन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चेन बन जाता है बच्चों, जिसको कि हम लोग फूड वेब कहते हैं, ठीक है। जैसे दे आर प्लांट आर नॉट ओनली ईटन बाय एनिमल्स सच एज काउ, माइस एंड डियर,
बट ऑल्सो बाय इंसेक्ट सच एज ग्रास हॉपर, ये सब भी क्या करते हैं प्लांट को खाते हैं। तो इस तरह से ग्रास हॉपर को कौन खाते हैं, फ्रॉग खाते हैं, उसको फ्रॉग को उससे बड़े बिग एनिमल खाते हैं, फिर उस एनिमल को उससे बड़े बिग एनिमल खाते हैं। तो इस तरह का जो चेन बनता है उसी चेन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फूड वेब बनते हैं। इसमें क्या होता है एनर्जी भी एक दूसरे से दूसरे में जाता है, क्योंकि हम लोग भोजन क्यों करते हैं एनर्जी के लिए, तो एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है बच्चों। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जो एनर्जी होता है इसको ही हम लोग फूड वेव कहते हैं, और एक नॉर्मल वे में जो होता है उसको फूड चेन कहते हैं। तो ये हम लोग इसमें अभी इस टॉपिक में क्या पढ़े बच्चों, इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, किस तरह से प्लांट और एनिमल्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, डिपेंडेंट हम लोग रहते हैं किसी के ऊपर जब, तो ये जो एक रिलेशनशिप बनता है इसी को हम लोग फूड चेन या फूड वेव कहते हैं बच्चों। तो ये तो आज इस चैप्टर में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किए बच्चों। दूसरा, इस तरह के एनर्जी ऑफ फ्लो के कारण ही एक ट्रॉपिकल लेवल बन जाता है बच्चों, एक पिरामिड का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे कि हमारा नेचर क्या होता है में बैलेंस बना रहता है। अगर मान लीजिए हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स नहीं खाए बच्चों, तो सारा ज्यादा हर्बीवोर्स की ही नेचर में ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा अगर हर्बीवोर्स ही हो जाएगा बच्चों तो ज्यादा प्लांट का वो यूज करने लगेगा, तो हम लोगों के नेचर में क्या होगा, प्लांट की कमी हो जाएगी, स्कार्सिटी हो जाएगी बच्चों। तो मैंने कि एक बैलेंस बना रहे, जैसे पॉपुलेशन में ही बैलेंस कैसे बना रहता है बच्चों, हमारे एनवायरमेंट में बच्चा बॉर्न होता है, उसके बाद वो यंग होता है, एडल्ट होता है, फिर आप ओल्ड होते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या होते हैं उनका डेथ हो जाता है, फिर से नए बच्चे का बॉर्न होता है। अगर ये साइकिल नहीं चले बच्चों तो आप इमेजिन कीजिए कि तब फिर पॉपुलेशन की क्या स्थिति हो जाएगी। ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ गया है हमारे इंडिया, ठीक है, देश का पॉपुलेशन बढ़ गया है। तो ये साइकिल बनने के लिए गॉड ने ये बना दिया है कि बच्चा आएगा, बच्चा का जन्म होगा, वो फिर बढ़ेगा, फिर बूढ़ा होगा, फिर उसका डेथ हो जाएगा, फिर से नया बच्चा बॉर्न होगा। इस तरह से क्या होता है साइकिल चलता रहता है, ठीक उसी तरह नेचर में भी इस तरह का एक साइकिल चलता रहता है बच्चों, कि प्लांट को हर्बीवोर्स खाएगा, हर्बीवोर्स का कार्निवोर्स खाएंगे, कार्निवोर्स को ओमनीवोर्स खाएंगे, फिर ओमनीवोर्स डेथ करेंगे, फिर उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर है बच्चों, ठीक है। तो ये होने से क्या होता है हमारे नेचर में एक बैलेंस बना रहता है कि पार्टिकुलर किसी एक एनिमल की पॉपुलेशन न बढ़ जाए, इसीलिए उसका बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है बच्चों। और बैलेंस बने रहने के लिए ये नेचर में ये होना बहुत जरूरी है, ये इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये टॉपिक आज हम लोग आज डिस्कस कर लिए बच्चों। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, कि फॉरेस्ट हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंस है, इसके लिए नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। आज जो टॉपिक हम आपको बताए उसको अच्छे से फिर से क्लास घरों में पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू, ओके बाय। बस ये।